जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाने के मिशन में सरकार पूरी तरह से जुट गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, जीएसटी काउंसिल के फैसले सराहनीय हैं। इससे छोटे मंझौले उद्योगों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के कारोबारियों को काफी मदद मिलेगी। हम जीएसटी व्यवस्था को सरल और लोगों के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस ट्वीट से संकेत मिलते हैं कि जीएसटी काउंसिल आने वाले दिनों में जीएसटी में राहत देने के बड़े फैसले कर सकती है। गुरुवार को जीएसटी काउंसिल ने 40 लाख रुपए तक के कारोबार को जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना कराने की छूट दी थी। अब दो प्रकार की एग्जेम्पशन लिमिट्स होंगी। पहली वाली का स्लैब 40 लाख होगा, यानी कि जो 20 लाख था उसको डबल कर दिया गया है। तो जिसकी 40 लाख तक टर्नओवर है, अगर वो जीएसटी चेन का बेनिफिट नहीं क्लेम करना चाहता तो वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का दायरा भी 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ करने का फैसला किया था। 1 अप्रैल 2019 से कॉम्पोजिशन की जो एग्जिम लिमिट है वो 1.5 करोड़ रुपीज तक होगी, 1 करोड़ 50 लाख तक। और क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए कई छोटे व्यवसायिक आए हैं, तो इसको बढ़ाने के का एक ये लॉजिक था। इस छूट के बाद जीएसटी के कुल कलेक्शन में महज 3% कमी की आशंका जताई जा रही है, यानी सरकार को करीब 5,500 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही रियल एस्टेट पर जीएसटी घटाने का फैसला नहीं हो सका। इससे रियल एस्टेट सेक्टर मायूस है। रियल एस्टेट पर जीएसटी घटाने और उसकी भरपाई के लिए लॉटरी पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला कुछ आपत्तियों के चलते नहीं किया जा सका। इसके लिए भी सरकार ने एक कमेटी गठित की है। देखिए, इसमें हम सीमा नहीं देते, लेकिन हमारे जीओएम्स का अनुभव ये है कि एक कमेटी मीटिंग में जाता है तो होपफुली डिपेंडिंग ऑन व्हेन द नेक्स्ट मीटिंग इज हेल्ड द जीओएम वर्क्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। उम्मीद है कि जल्द ही रियल एस्टेट में जीएसटी कम करने का फैसला किया जाएगा, जिससे लोगों को सस्ते घर मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।